नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अंजू की रसोई में। तो आज आप समझ ही गए हैं हमारी रेसिपी है सर्दियों में हम सबके फेवरेट पालक पनीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम पालक के पत्तों को अच्छे से धोकर इसको उबाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसमें एक कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें पालक डालेंगे। हमने पालक को अच्छे से धो लिया है। पालक को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से उबलने देंगे। तो जब तक हमारा पालक उबल रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो पालक पनीर रेसिपी के लिए चाहिए हमें एक बड़ा प्याज चॉप किया हुआ। हमने यहाँ एक टमाटर की प्यूरी बनाई है। हमने यहाँ मलाई यूज़ किया है, आप चाहे तो क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 बड़े चम्मच मलाई हैं, आधी कटोरी तेल, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च। हमने यहाँ कुटी हुई काली मिर्च का यूज़ किया है, आप चाहें तो खड़ी काली मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। तड़के के लिए हमने यहाँ 1 छोटी कटोरी घी, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच जीरा, कुछ लाल मिर्च खड़ी, आप चाहें तो हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, और 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये देखिए 4 मिनट हो गए हैं और हमारा पालक अच्छे से उबल चुका है। तो चलिए हम पालक को ठंडे पानी में निकाल लेते हैं। पालक को हम बर्फ़ के पानी में निकालेंगे ताकि हमारा पालक का पत्ता जो है वो काला ना पड़े। इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। पालक जब हमारा ठंडा हो जाएगा तो अब हम इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए हमारा पालक ठंडा हो गया है, अब हमने इसे जार में डाल लिया है। चलिए इसे पीस लेते हैं। हमारा पालक अच्छे से पिस चुका है, तो चलिए इसे हम बर्तन में निकाल लेते हैं और शुरू करते हैं अपना पालक पनीर बनाना। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई गर्म करेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपनी छोटी कटोरी घी डालेंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। सबसे पहले हम इसमें तेज पत्ता, खड़ी मिर्च, आप चाहे तो हरी मिर्च का भी उपयोग कर सकते हैं, जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छे से चला लेंगे। अदरक की जगह आप हींग का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें हींग डाल दें। लहसुन अदरक को हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपना कटा हुआ प्याज, इसको अच्छे से चला लेंगे। प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब क्या करते हैं, ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें अपनी टमाटर प्यूरी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम टमाटर को भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं। हमारा टमाटर पक चुका है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर, सब्जी मसाला और पिसी हुई काली मिर्च, इन सबको चला देंगे। 2 मिनट तक हम अपने मसालों को अच्छे से भून लेंगे। हमारे मसाले जले नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसालों को 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। देखिए हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, ये देखिए। अब हम इसमें अपनी पालक डालेंगे, हमने पालक को पीस लिया था, इसको अच्छे से चला देंगे। हम पालक को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। हमें पालक को बीच बीच में चलाते रहना है ताकि हमारा पालक कढ़ाई में ना लगे। देखिए हमारा पालक अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी मलाई, आप चाहे तो मार्केट का क्रीम भी यूज कर सकते हैं। इसको चला देंगे। क्रीम
क्रीम या मलाई डालने से हमारा पनीर काफी सॉफ्ट हो जाता है और पालक पनीर में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 मिनट तक पकने देंगे। तो हमारी पालक अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे अपने कटे हुए पनीर। हमने पनीर को पहले से ही काट लिया है। छोटे या बड़े कैसे भी क्यूब में आप इसको काट लें। इसको चला लेंगे। हमारा पालक पनीर रेडी है, आज को हम बंद कर देंगे। हमें पनीर को नहीं पकाना है। तैयार है हमारी पालक पनीर, ये देखिए। क्रीम डालने से हमारे पालक का बहुत अच्छा कलर आया है और इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद भी रहेगा। मलाई डालने से हमारी पालक सॉफ्ट रहेगी, काफी अच्छा इसका फ्लेवर भी रहेगा। तो चलिए हम इसको सर्व करते हैं। ऊपर से इसको हम डेकोरेट करेंगे। थोड़ी मलाई हमने फेंट रखी है, आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं। तो तैयार है हमारी पालक पनीर। अगर आपको मेरी पालक पनीर की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।